डियर फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं हूं कामरान शाह और आप देख रहे हैं एमएलटी हब विद कामरान। कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। ठीक है दोस्तों, और जो प्रोकैरियोट होते हैं दोस्तों, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता या मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इनमें नहीं होता, और इनका जो सेलुलर स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं या ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनका जो सेलुलर स्ट्रक्चर होता है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। बाकी क्या डिफरेंसेज हैं दोस्तों, जो प्रोकैरियोट सेल है उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, लेकिन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है दोस्तों, जो एग्जांपल्स हैं ऑर्गेनिज्म्स की जो कि प्रोकैरियोटिक हैं वो है आर्की और बैक्टीरिया। ठीक है, और जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स हैं वो है प्रोटिस्ट्स, फंजाए, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है दोस्तों, थर्ड नंबर डिफरेंस जो है, प्रोकैरियोट मोस्टली जो होते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, लेकिन जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर यूजुअली मल्टी सेलुलर। ठीक है, जो फोर्थ नंबर डिफरेंस है दोस्तों प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में, वो ये है कि पेरोक्सिसोम्स एंड लाइसोसोम्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट में। ठीक है, लेकिन यूकैरियोट में पेरोक्सिसोम्स एंड लाइसोसोम्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो व्हाट आर पेरोक्सिसोम्स दोस्तों, ये स्मॉल ऑर्गेनेली होती है जो कि प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। ठीक है, और इसमें रिड्यूसिंग एंजाइम्स होते हैं जो कि कहलाते हैं कैटालेज और यूजुअली सम ऑक्सीडेजेस। ठीक है, और जो लाइसोसोम्स हैं दोस्तों, तो लाइसोसोम्स मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली होती हैं और इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, फिफ्थ नंबर डिफरेंस जो है, प्रोकैरियोट ऑर्गेनिजम्स में माइक्रोटिब्यूल्स एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोट में माइक्रोटिब्यूल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोटिब्यूल्स बेसिकली माइक्रोस्कोपिक होलो ट्यूब्स होते हैं जो कि सेल को शेप प्रोवाइड करते हैं, और सेल के अंदर जितने ऑर्गेनेलीज होते हैं तो उसे वो उसकी प्लेसमेंट में, उसे एक जगह मुनज्जम रखने में ये हेल्प प्रोवाइड करते हैं। ठीक है दोस्तों, सिक्स नंबर डिफरेंस जो है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता सेल के अंदर। ठीक है, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली मेम्ब्रेनस नेटवर्क है ट्यूब्यूल्स का, और ये साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है यूकैरियोटिक सेल के, और बेसिकली इसमें राइबोसोम्स अटैच होते हैं जो कि प्रोटीन और लिपिड की सिंथेसिस करते हैं। सेवन नंबर डिफरेंस जो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में, तो प्रोकैरियोट में माइटोकांड्रिया नहीं होता लेकिन यूकैरियोट में माइटोकांड्रिया प्रेजेंट होता है। ठीक है दोस्तों, एट नंबर डिफरेंस जो है, जो राइबोसोम का साइज है प्रोकैरियोट में वो स्मॉल होता है लेकिन यूकैरियोट में राइबोसोम का साइज जो होता है वो लार्जर होता है। ठीक है, नाइन नंबर डिफरेंस जो है, जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोट में वो सर्कुलर होते हैं और सिंगल होते हैं। ठीक है, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं वो मोस्टली मल्टीपल इन नंबर्स होते हैं। ठीक है, और शेप जो है वो लीनियर शेप के होते हैं। ठीक है, टेंथ नंबर डिफरेंस जो है, जो सेल डिवीजन होती है प्रोकैरियोट सेल में वो बाइनरी फिजन के थ्रू होती है। ठीक है, जो कि एक टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, एक सेल जो है वो दो में डिवाइड होता है, लेकिन जो यूकैरियोट है तो सेलुलर स्ट्रक्चर इसका काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसलिए इसमें माइटोसिस और मियोसिस जो है वो इन्वॉल्व होता है। इलेवेंथ नंबर डिफरेंस जो है, प्रोकैरियोट ऑर्गेनिजम्स के सेल के अंदर साइटोस्केलेटन एब्सेंट होता है और यूकैरियोट के सेल के अंदर साइटोस्केलेटन जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो साइटोस्केलेटन बेसिकली सेल को शेप प्रोवाइड करता है। ठीक है, ट्वेल्थ नंबर डिफरेंस जो है, मीजोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल में मीजोसोम जो है वो एब्सेंट होता है। मीजोसोम बेसिकली इसका जो रोल है वो सेलुलर रिस्पायरेशन में होता है, जो कि एक प्रोसेस है जिसमें फूड की ब्रेकडाउन होती है और उससे फिर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है लेकिन यूकैरियोट में ये एब्सेंट होता है मीजोसोम। 13 नंबर डिफरेंस जो है, जो सेल वॉल है प्रोकैरियोट का वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, लेकिन जो यूकैरियोट का सेल वॉल होता है वो काफ़ी सिंपल होता है। ठीक है, इसके अलावा 14 नंबर डिफरेंस जो है, प्रोकैरियोटिक सेल में पिली और फिम्ब्री जो है वो दोनों होते हैं। ठीक है, लेकिन यूकैरियोट में सिलिया होता है। पिली और फिम्ब्री जो है ये बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की अटैचमेंट में हेल्प प्रोवाइड करते हैं, और सिलिया जो है ये यूकैरियोटिक सेल या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की लोकोमोशन में हेल्प प्रोवाइड करता है।
रहा है। ठीक है दोस्तों, 15 नंबर डिफरेंस जो है, प्रोकैरियोटिक सेल साइज जो होता है वो 0.5 टू 100 माइक्रोमीटर होता है, और जो यूकैरियोटिक का होता है वो 10 टू 150 माइक्रोमीटर सेल साइज होता है। ठीक है दोस्तों, 16 नंबर डिफरेंस जो है, जो रिप्रोडक्शन होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो प्रोकैरियोट में एब्सेंट होती है और यूकैरियोट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो प्रेजेंट होती है। लास्ट नंबर डिफरेंस जो है वो ये है कि एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है, लेकिन जो यूकैरियोटिक है ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस जो होती है वो प्रेजेंट होती है। तो दोस्तों ये कुछ की डिफरेंसेस थे बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। उम्मीद है आप लोगों ने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों अल्लाह हाफिज़।